सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों से। अभी दिन के करीब 11 बजने को हैं और मेरी तैयारी हो रही है अपने पड़ोसी गांव देड़ा गांव जाने की। वहां पर मेरी मौसी की बेटी की शादी है, यानी कि मेरी बहन की शादी है, तो इसलिए अभी मैं वहाँ जा रही हूँ। बाकी दीदी कल शाम को चली गई थी। हम दोनों बहनों का ससुराल एक ही घर में है तो हम लोग कभी भी एक साथ कहीं जा नहीं पाते हैं। अगर दीदी गई है तो मुझे घर पर रुकना पड़ता है और मैं गई हूँ तो दीदी को घर पर रुकना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं और एक बार फिर से आप लोगों को गांव की शादी दिखाते हैं। बाकी मौसम की अगर बात करें तो चटक सी धूप लगी हुई है, आज मौसम काफ़ी सुहावना है। तो चलिए जी, अभी मैं भी पहुंच चुकी हूँ मौसी के घर के पास में ही। तो चलिए चलते हैं। और शादी वाले घर में क्या होता है कि डीजे काफ़ी ज़्यादा बजता है तो व्लॉग में थोड़ा दिक्कत आती है व्लॉग बनाने में। तो देखते हैं कि कैसे मैं व्लॉग बनाती हूँ और कैसे आज के दिन को मैं स्पेंड करती हूँ। तो बाकी आप लोग बने रहिए व्लॉग में, देखते रहिए कि किस तरह से गाँव में शादी होती है। तो चलिए जी, अभी मैं भी आ गई हूँ मौसी के घर पे और सारे जितने भी मेहमान हैं सारे जान पहचान के हैं। तो ज़्यादा जितने भी मेहमान आए हैं मेरी माई के साइड वाले आए हैं, तो मौसी है तो मौसी भी माई की है तो माई के साइड के ही सारे लोग आए हुए हैं। तो चलिए सभी लोगों से मिलवाती हूँ आप लोगों को। तो चलिए जी, अभी क्योंकि लाइट नहीं है तो डीजे का कुछ सॉन्ग है नहीं, शोर नहीं है, तो आप लोगों से सभी लोगों से मिलवा देती हूँ। तो सबसे पहले ये रही हमारी बौबा जी, जिनकी नतनी की शादी है यहाँ पे। तो सबसे पहली जो मेहमान है वो बौबा जी है, यहाँ की हैं सबसे पहले ये आई हैं। तो बाकी यहाँ से आप लोगों को मिलवाते हैं। ये रहे मामा जी, ये रहा भाई, ये है मौसी, ये भी मौसी है, ये दीदी रही, बाकी एक आध लोग हैं जिनको मैं जानती नहीं हूँ। तो इस साइड भी ये है मेरी जेठानी जी और ये गांव से आई है, मेरे ससुराल के गांव से। तो काफ़ी सारे मेहमान हैं जो कि मौसी लगती हैं सारे जितने भी आए हुए हैं। अभी नीचे के लोगों से आप लोगों को मिलवा दिया है, बाकी यहाँ ऊपर पे मेहमानों की आने की व्यवस्था करी हुई है। और यहाँ पे देखिए, ये रे मेरे मामा जी जो गडगू गांव से हैं, और आप बड़ासू से, हाँ चाचा, तो ये हैं चाचा जी। तो यहाँ पे मामा जी जो है न्योता लिख रहे हैं। तो शादी में हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जितने भी मेहमान आए रहते हैं तो यहाँ पे ये सभी लोग न्योता लिखवाते हैं और साथ में जो है, हाँ, सभी पे जो है टीका लगता है। सभी लोगों से मिलने के बाद अभी मैं आ गई हूँ छत पर और यहाँ अभी दुल्हन का फोटो शूट चल रहा है। तो चलिए जी, बारात की तैयारी हो गई है और यहाँ पे देखिए पंडित जी ने पूजा के लिए सबसे पहले गोबर गणेश जी को स्थापित कर दिया है पूजा के लिए, और साथ में यहाँ पे जो तिल हो गया, घी हो गया, मिठाई हो गई और पिठाई वगैरह रखा हुआ है। और सबसे पहले जो ये जो बर्तन है इसको हम लोग दही चीनी कहते हैं, तो इसको यहाँ पर रखा हुआ है।
तो चलिए जी, अभी बारात आने ही वाली है, रोड में आ चुकी है और यहाँ पे सारी मौसी जी लोग जो है बारात के स्वागत में गेट पे कुछ इस तरीके से आते हैं और रिबन कटवाते हैं और जो दूल्हे के मामा जी होते हैं उनसे पैसे लेती हैं। ये भी एक रिवाज होता है हमारे गांव के शादियों का। तो सब लोग तैयार हो गए हैं और बारात जो है नीचे रोड में आ गई है। बाकी रिबन काटने वालों से पहले जो है यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ दिखाई दे रही है, इनके सर में कलश रखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से बारात का स्वागत किया जाता है। आवा श्रीमान आसन बिराजा सुस्वागतम चा सुस्वागतम चा पावैले पर्व सेवा स्वीकार छट्टा भूलो ते जिया भोरे प्यार बैणियों की जय जयकार श्रीमान आसन दी सारी खेड़ लकीरा दी
यहाँ भी मौसी, यहाँ भी मौसी, जिधर देखो मौसी मौसी है। तो चलिए जी, अभी जयमाला की रस्म के बाद यहाँ पे जो रस्म होती है इसको दूल्हा अर्घ्य की रस्म कहते हैं। और इस रस्म में दूल्हे के द्वारा अपनी सास और ससुर लोगों से आशीर्वाद लिया जाता है। अभी हम लोग बेदी में आ गए हैं और बेदी उस जगह को कहते हैं जहाँ पर सात फेरों की रस्म और साथ में सिंदूरदान की रस्म के साथ पहाड़ी कई सारी रस्में होती हैं। तो अभी जो रस्म चल रही है इसको लाजा होम की रस्म कहा जाता है। और इस रस्म में दूल्हे के द्वारा दुल्हन के भाई के द्वारा दुल्हन के हाथों में खील दिए जाते हैं और दुल्हन उनको दूल्हे के हाथों में देती है और दूल्हे के द्वारा जो है खील को अग्नि को समर्पित किया जाता है। तो इस रस्म को लाजा होम की रस्म कहा जाता है। सात फेरों की रस्म में जो छठवां फेरा होता है उसमें हमारे यहाँ पे ऐसा रिवाज है कि दूल्हे पक्ष के लोग जो है दुल्हन के दोस्तों को दगड़ तुड़ाई, यानी कि आज से इन लोगों की दोस्ती टूट जाएगी, तो दुल्हन के जितने भी दोस्त रहते हैं उनको दगड़ तुड़ाई में पैसे देते हैं। तो चलिए जी, अभी यहाँ पे सप्तपदी की रस्म भी शुरू हो गई है। और सप्तपदी की रस्म में छह बत्तियों को बुझाया जाता है जबकि सातवीं बत्ती को अखंड सौभाग्यवती का प्रतीक माना जाता है।
तो अभी सात फेरों के साथ सिंदूर दान की रस्म हो चुकी है और इसके बाद हमारे पहाड़ों की शादियों में, गांव की शादियों में परिवार के जितने भी सदस्य रहते हैं सभी लोग कन्यादान के साथ गोदान करते हैं। इसीलिए इस रस्म को कन्यादान या फिर गोदान भी कहा जाता है। दे द्यावा बाबाजी, दे द्यावा बाबाजी कन्या को दान, दे द्यावा बाबाजी कन्या को दान है। हीरा दान मोती दान को ही देला, को भाग्यान दे लो कन्या को दाना है। तुम वेला बाबाजी, तुम वेला बाबाजी पुण्य का भागी, दे तो चलिए जी, अभी शाम के करीब 5 बजने को हैं और हम सभी लोग घर के लिए आ गए हैं। बाकी दान की रस्म के बाद विदाई की रस्म होती है, तो उससे पहले हम लोग घर के लिए निकल गए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करती हूँ। उम्मीद और आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मनीषा बजवान मिलती हूँ आपको अपने अगले इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।